देखेंगे ए और बी कोई कार्यक्रम से 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, है ना? तो जो आपका नोट है उसमें नोट क्या बोलता है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम शुरू किया। देखो ए किसी काम को 6 दिन में जबकि बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हम जाएंगे एलसीएम मेथड पे। जो हमारा जो प्रोसेस है वो एलसीएम मेथड का प्रोसेस है, एलसीएम मेथड का प्रोसेस। 6 और 12 का एलसीएम आएगा आपको 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ये है उनकी एक दिन की कार्य क्षमता, ठीक। लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 काम। ये आपका पूरा काम हो गया, ठीक है, 6 काम कर लिया कंप्लीट ना। तो देखो अब कितना बचा मेरे पास, शेष काम कितना बचता है, पूरा काम है 12, 6 काम ये कर दिया कंप्लीट, तो कितना काम बचा है, 6 काम। तो बी इस काम को, क्योंकि 6 काम है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 6 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है ना। मतलब बी का काम निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, बी की कार्य क्षमता बटे बी की सॉरी यहाँ से